नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नवाबगंज एडवोकेट एसएन का चुनाव का बजा बिगुल। हाजी हमें एडवोकेट अध्यक्ष पद के लिए पहला नामांकन किया। आपको बता चलेंगे, तहसील नवाबगंज में एडवोकेट एसएन के चुनाव की घोषणा होते ही एडवोकेट साथियों में मची हलचल में लगभग दो साल के बाद बार का चुनाव की तारीख घोषित की गई। 6 अक्टूबर को बार के चुनाव मतदान किया जाएगा। 10 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 4 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। उसी दिन मतगणना का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अंतर्गत एडवोकेट हाजी मजीद हुसैन जेडी ने आज पहला नामांकन अध्यक्ष पद के लिए कराया गया। इसको लेकर आज सभी वार हुसैन के पदाधिकारी ने अपनी सक्रियता दर्ज की। वहीं आपको बताते चलेंगे, बरेली में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल भाजपा के एक कार्यकर्ता ने अपनी पार्टी के एक नेता के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पीड़ित नरेश पाल गुप्ता का आरोप है कि भूमाफियों अनिल प्रताप राणा उसकी सराय कस्बा फरीदपुर में जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। उन्होंने मामले से शिकायत पुलिस आला अधिकारियों से की, जिसको लेकर कहा सुनी हुई चलते समर्थकों के साथ धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। वहीं आपको बताते चलेंगे, हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी को इंसाफ दिलाने हेतु दिए ज्ञापन। सादाबाद की वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ श्रवण जाति के संदीप पुत्र रवि अतुल राकेश लपकुश रामवीर निवासी कोतवाली चंपत हाथरस में बलात्कार करने व जान से मारने की कोशिश की। समाज की बेटी के साथ हुई अन्याय अपराध बलात्कार नामकन दरिंदो की बेटी गर्दन व पैर बांध दिए। इस घिनौनी अपराध के लिए आज बरेली में जिलाधिकारियों को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि इस घटना की घोर निंदा की जाती है और उत्तर प्रदेश वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुआ अत्याय के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। वहीं आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने मंडी के शुल्क को लेकर विकास भवन में दिया ज्ञापन। मंडी शुल्क के व्याप्त विषमताओं के विरोध में आदरणीय महोदय, लंबे समय उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क में छूट की मांग उत्तर प्रदेश के किसानों गल्ला व्यापारियों आंदोलन के माध्यम से की जा रही थी। इसको लेकर आप शुल्क विभाग में आज एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता के साथ पूरा व्यापार प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। उन्होंने आरक्षण शुल्क लिया जा सके इसका सभी व्यापारियों से संघर्ष स्वीकार कर लेने में समर्थन भी किया। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जंगली जीवों के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों की तस्करी और बिक्री 3 हिरासत में। बताते चले कि वाइल्ड लाइफ भारत की एंटी पोचिंग डिवीजन टीम ने विलुप्त हो रहे जंगली जीवों के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों की तस्वीर बिक्री करने के अपराध में बरेली के थाना बारवरी में श्याम प्रतिष्ठित व्यापारी राम पास की दुकान में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसकी दुकान से मालिक सहित 2 नौकर भी थे। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की। हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।